एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं भाई क्या देख रहा है? क्रिस्टल जी इधर देखिए, ये वाला कैमरा क्रिस्टल जी बाइट 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 मैडम बाइट। चलो रोलिंग मैम, फर्स्टली टेल अस समथिंग अबाउट द इवेंट, हाउ एक्साइटेड आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग एन अवार्ड होपफुली, and you know meet a lot of people here. Award functions pe hi to logo ko milte hain hum log, and events pe hi milte hain, so I'm looking forward to go inside and meet a lot of people. Kaun si category mein best actor? Tell us something about the journey, about best actor journey. Honestly you know the leap easy nahi hota hai jab aapko एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लीप लेना है, जैसे कि मैंने लिया टीवी से लेके वेब से लेके फिल्म्स, तो यू नो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, मुझे मिल रहा है बेस्ट एक्टर फॉर चेहरे, एंड इट्स माय फर्स्ट फिल्म, इट्स माय डेब्यू फिल्म, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. यू नो अलॉन्ग साइड अमिताभ बच्चन जी मैंने ये फिल्म की, तो मेरे लिए ये वही सबसे बड़ा अवार्ड है, एंड देन दीज ऑलवेज गिव यू दैट स्ट्रेंथ टू कीप वर्किंग हार्डर. What are your upcoming projects in the next two? I am doing a film that will be coming out anytime soon. It's called Visvot, the series and Sanjay Gupta ke saath hai. Bahut excited hu uske liye, shayad is saal ke end tak aa jaye. Yes, Bigg Boss ka final weekend. So are you watching it, Bigg Boss? Would you like to say something about it? नहीं, एक्चुअली मैं सारे एपिसोड्स नहीं देख पा रही हूँ, बट बीच बीच में मैंने देख लिया, ऑफकोर्स सलमान खान के वीकेंड के बाद के एपिसोड्स तो देख ही लेती हूँ कैसे भी करके, एंड आई थिंक यू नो द वे ही मेंटर्स पीपल, द वे ही यू नो टेल्स देम व्हाट हिज ओपिनियन इज अमेजिंग, यू नो इट फील्स लाइक यू आर गोइंग इनटू हिज हाउस, एंड ऐसा लगता है कि वो अच्छे से समझाते हैं सबको. And what would you like to say about Elvish Yadav system? Jo word hai system काफी हिल रहा है. काफी लोग बोल रहे हैं system काफी सुनाई दे रहा है system, तो बढ़िया है system. Yes, आप अगर कुछ बताना चाहोगे, he's going to be, I guess he's going to be the first wildcard entry to win Bigg Boss OTT or Bigg Boss. क्या predict करके बैठे? मैं यहाँ पे दिखा. Yes, मैं लुक से. Fans predict करके बैठे. आप अगर इसपे कुछ बताना चाहो. मुझे मैंने एक्चुअली देखे हैं फ्यू एपिसोड्स, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई रिमेम्बर मैंने वो वीकेंड का वार का एपिसोड देखा था जहाँ पे उन्होंने गलती की, सलमान सर ने उनको एक्सप्लेन किया और उन्होंने इतने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अपोलोजाइज किया लाइक अ जेंटलमैन. तो आई थिंक यू नो ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, वाइल्ड कार्ड इज ऑल्सो एज गुड एज इज इक्वल कंटेस्टेंट, तो ही स्टैंड इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग. थैंक यू. लेफ्ट में, लेफ्ट में अमिता जी रहने के. अमिता जी रुको जरा, रुको मैं अभी आ अमिता जी. अरे यही है तुम्हारा मोबाइल मेरा अपना कैमरा. अरे रुक जा भाई, अभी क्या चीज़ यहाँ पे? ठीक है, आइए बाइक पे. विशाल विशाल इधर आ जाओ. आप अपने आउटफिट के बारे में बताइए. मेरे आउटफिट के बारे में आई थिंक आई प्लेड सेफ टुनाइट, फोन ब्लैक, क्योंकि जब कुछ और समझ नहीं आता तो ब्लैक पहन लेना इज लाइक द बेस्ट ऑप्शन, बट माई स्टाइलिस्ट इज रश्मिता, एंड मुझे हैदराबाद में काफी बार उन्होंने स्टाइल किया, सो शी हैज मेड मी लुक अ लिटिल डिफरेंट देन यूजुअल, सो आई होप यू गाइस लाइक इट. यस, और इसके अलावा आज के जो इवेंट है इंटरनेशनल ज्वेलरी अवार्ड, उसके बारे में आर यू नॉमिनेटेड? क्या आप नॉमिनेटेड हो एनी कैटेगरी? आई एम नॉमिनेटेड.
the actress category and let's see what happens. Yes. और आपकी पिक्चर के बारे में किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आए आपकी मूवी को लेके? मैंने देखी पर्सनली, मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपका. टेल अस समथिंग अबाउट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल. और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है एंड अभी भी रास्ते में आते आते, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन मुंबई, रास्ते में आते आते मैंने बहुत सारे वो छोटे मोटे पोस्टर्स देखे विद द रिटन स्पेक्टेकुलर हिट एंड आई थिंक दैट्स सच अ प्राउड फीलिंग, यू नो. इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होती है. एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड ग्लैड कि मेरी इतनी छोटी सी फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिला है ऑडियंस से एंड बहुत सारा पैसा भी कमाया है. सो आई एम हैप्पी फॉर द प्रोड्यूसर. अभी का हैदराबाद में कैसे रिस्पॉन्स, क्योंकि उधर आपकी जो फैन बेस है वो एक अलग टाइप की फैन बेस है. मुंबई में जो बालिका वधु है स्पेशली उसकी फैन बेस है. इट्स वर्क्ड वेल, इट्स वर्क्ड रियली गुड इन हैदराबाद एज वेल एंड आई होप दैट इट कीप्स डूइंग वेल एवरीवेयर. थैंक यू सो मच अभी का. रजनी जी इधर देखिए. रजनी एक मिनट. लुक कैमरा सर एक बार यार छोड़ दो सर. यहाँ पे तुम इधर भी करोगे इधर भी करोगे मुझे भी डिस्टर्ब करोगे. आपका वायर आ रहा है तो उधर ही करो फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो. सर रजी सब आई ली बाइट क्या रोल चल. सर पहली बात तो आप मुझे मोस्ट पावरफुल सो मुझे मोस्ट पावरफुल परफॉर्मेंस में नॉमिनेट किया गया इंस्पेक्टर अविनाश के लिए एंड तभी मैं आपको पावरफुल परफॉर्मेंस एज इंस्पेक्टर अलावर इंस्पेक्टर अविनाश के अंदर इंस्पेक्टर अलावर. इंस्पेक्टर अविनाश के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? वी आर वेटिंग आई गेस. यस आई एम वेटिंग. पावर पैक टेल अस समथिंग अबाउट वो लुक के बारे में एंड जो सारे शॉट्स थे उसके बारे में. इंस्पेक्टर अविनाश मेरे लिए बहुत इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. वी स्पेंड ऑलमोस्ट 1.5 साल लगाया हम लोगों ने उसके ऊपर. पार्ट 2 पार्ट 1 सब बन चुका है. सो पार्ट 2 अब आने वाला है एंड ऑब्वियसली उस लुक में वो जो वो लैंग्वेज है वो हरियाणवी और यूपी जो मेरठ वाला लैंग्वेज है वो मेरी है अलावत की. एंड उसमें काफ़ी काम किया था. उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, उसका बट अलग है. अलावत एक अलग ही थोड़ा किसका हुआ इंस्पेक्टर है. इसके अलावा और प्रोजेक्ट को लेके अगर बात करना चाहो क्या कुछ अलग प्रोजेक्ट आपके तरफ से आने वाले? सो इसके अलावा अभी मेरा एक प्रोजेक्ट मैंने खत्म किया, इट्स कॉल्ड वीडियो कैम स्कैम. ओके. ये एपिक ऑन के लिए है एंड इट विल बी आउट सून. सितंबर एंड तक आप देखेंगे कि वॉलेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. यहाँ पे दर्शन सर इधर देखिए ये वाला कैमरा ऐसे टर्न होती है. सर यहाँ पे दर्शन सर दर्शन सर थोड़ा इधर रुकिए ना. दर्शन सर सर यहाँ इधर सर यहाँ पे यहाँ पे सर यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे देखिए यहाँ पे चलिए बाइक दर्शन सर बाइक कर. ओके अरे बाइक विशाल रूम देख लो ये है ना जो छुपा हुआ है इधर आ जाओ. एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और एक बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है और मैं कश्मीर फाइल्स के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है जो बहुत ही स्पेशल फिल्म है हम सब के लिए और लोगों से बहुत प्यार मिला है. अभी अवार्ड फंक्शंस में भी प्यार मिल रहा है तो आई फील ब्लेस इन दैट. जब भी कश्मीर फाइल्स का जिक्र होता है काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो गई. आप अगर
एक कोई ऐसा मोमेंट या फिर कोई ऐसा शॉट जो आपने दिया हो ड्यूरिंग द प्रेस मीट फाइट विल बी ऑलवेज बी योर हाइलाइट व्हेन व्हेनेवर प्रेस मीट फाइट्स आर इन फिगर होता है विशाल सेंटर एक्चुअली बहुत सारी मेमोरीज हैं प्रेस मीट फाइट्स मोस्टली मेंटली फिजिकली बहुत चैलेंजिंग फील रही हम सबके लिए और मुझे याद है जब हम कश्मीर में शूट कर रहे थे तो टेम्परेचर अराउंड -8 चला गया था और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो लेक फ्रीज हो गई और मुझे बोट के अंदर बैठ के पूरा शूट करना था और मुझे याद है मुझे कि मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि मेरे पैर हैं मेरे पास वो पूरे जम चुके हैं सो बहुत टफ रही थी शूटिंग लेकिन जिस तरह का प्यार मिला ऑडियंस से और जिस तरह की फिल्म को सक्सेस मिली तो वो मेहनत रंग लाई हमारी यहाँ थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस थोड़ा सा बाइट सर यस बाइट सर सर विशाल सेंटर लुका चल ग्लोरी अवार्ड्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे नाम ही ग्लोरी अवार्ड्स है यार तो ऑब्वियसली इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर एवरीबॉडी हु इज गेटिंग दिस अवार्ड और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और आज भी वही बात रिपीट करूँगा कि किसी भी एक्टर के लिए परफॉर्मर के लिए जब अवार्ड कोई उसको मिलता है तो वो अवार्ड्स एक रिवॉर्ड होता है जो वो जनता का जो प्यार हम लोगों को मिलता है हमारे काम के लिए हमारी मेहनत के लिए तो ये वो रिवॉर्ड है जो उनका प्यार हमको एक ट्रॉफी के रूप में हमारे पास आता है और आई थिंक फॉर एवर ग्रेटफुल कि बाई गॉड्स ग्रेस अवार्ड्स में हम लोग को नॉमिनेट किया जाता है और अवार्ड दिए जाते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल फीलिंग किस कैटेगरी में अवार्ड मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट एक्टर या ऐसा कुछ शायद मिलने वाला है तो आई एम होपिंग कि ऐसा हो जाए तो बड़ी उम्मीदों के साथ आए तो होपफुली ऐसा ही होगा अनुपमा की मैं बात करूँ अनुपमा एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है समर को लेके इस पे क्या मुझे ये बताओ कि अनुपमा ने छोटा डिसीजन कब लिया वो हमेशा डिसीजन बड़ा ही होता है यस ये जो ट्विस्ट है जो समर को लेके अगर आप कुछ बताना चाहो को अभी तो फिलहाल वनराज की जिंदगी में इतना बड़ा ट्विस्ट चल रहा है कि वो बेचारा सोच ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ लाइफ में कैसे हो गया काव्या ने उसके साथ इतना बड़ा जो जो उसको चीट किया या धोखा दिया या जो भी है और जहाँ पे उसको लग रहा है कि यार शायद उसका कर्मा उसे वापस मिल रहा है तो वनराज अभी खुद बहुत डेवेस्टेटेड स्टेट में है बट यस आपका जो समर ने किया है काव्या से बातचीत बंद है बेटा परेशान कर रहा है बिकॉज वो बहू के इन्फ्लुएंस में आ गया है सो टिपिकल फैमिली ड्रामा बट विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ बिग बॉस नहीं देखता हूँ मुझे कभी पता नहीं क्यों बिग बॉस में कभी इंटरेस्ट नहीं आया बिकॉज इट इज़ नॉट माई काइंड ऑफ कॉन्टेंट मैं सबसे ज़्यादा एक्चुअली यूट्यूब पे वाइल्ड एनिमल्स के वीडियोज़ देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे लिए वही चीज़ है उसके बारे में कुछ पूछना था आपसे थैंक यू थोड़ा ये साइड है मैम यहाँ पे देखिए यहाँ पे not only me everyone is gonna say the same thing that it's an honor to be recognized and I feel very honored मैंने एक मूवी की एक्टिंग ऑफ कोर्स मैंने गाना गाए हैं
तो मेरे म्यूजिक के लिए एज अ बेस्ट सिंगर मुझे नॉमिनी बनाया है. सो मुझे बहुत खुशी होती है और ये सम्मान की बात है, ये बहुत ही ऑनर की बात है कि मुझे याद किया. सो आई एम हेयर. थैंक यू सो मच. इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड फोर्थ ईयर आई गेस. मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए. आजकल के ज़माने में पहले बताना थोड़ा मुश्किल है क्यों, यू नेवर नो क्या होने वाला है. सो आई थिंक वेट एंड वॉच. अगर आज के जनरेशन में देखें तो म्यूजिक सॉन्ग काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, रैप आ गया है. ये आज की बात नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है. पर ठीक है, वक्त के रहते थोड़ा चेंज होते रहना चाहिए, कुछ नया आता रहना चाहिए. इट्स गुड. भाई इधर देखिए, यहाँ पे एक रील बना लेना. अभी मुझे लगता है मैं अवार्ड लेके आऊँगा या फिर वो प्रोग्राम अटेंड करके आऊँगा तो ज़्यादा बोल पाऊँगा. अभी तो मुझे अटेंड करना है और लोगों से मिलना है. अभी फिलहाल तो यही कहूँगा कि कैसे लग रहा हूँ मुझे, आप बताओ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू. तो आने के बाद मैं ज़्यादा बता पाऊँगा उस बार. किस कैटेगरी में आपको तो क्या होता है, आधी चीज़ें तो ऐसी होती है कि आप आ जाओ अवार्ड मिलता है. सॉरी ये बोलना नहीं चाहिए. हाँ ये बोल दिया मैंने, ये बहुत गलत है. बट अभी मेरे को, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे चीज़ें नहीं पता है. मैं जा रहा हूँ, मेरे पीआर ने कुछ बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है आपको अवार्ड मिलने वाली है. मैं जा रहा हूँ और आधे अवार्ड ऐसे मिलते हैं यार, आप जाओ. वो चीज़ें यहाँ पे सुकून नहीं मिलता है. जब आप, मैं चाहता हूँ, मैं मेरे अंदर की बात बता रहा हूँ, शायद ये गलत भी हो सकती है, मैंने बोल दिया अभी, अभी पूरी करता हूँ. जब मैं फिल्में करूँगा, जब मैं अच्छा कुछ और ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस दूंगा जो लोगों को पसंद आएगा, जिस लायक बनूंगा, तो वो अवार्ड मिलने का मज़ा भी आता है. अभी फ़िलहाल तो आधे से ज़्यादा अवार्ड ऐसे होते हैं कि वो आर्टिस्ट आ जाए तो उसको अवार्ड मिल जाता है. इसे नॉर्मल है, मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं. तो आधे इतना सच नहीं बोलना चाहिए देवा वाला इतने का इतने ठेव रहे. तो बट इतना है कि यहाँ पे लोग मिलते हैं, कहीं कहीं पे आप जाते हो, कहीं कहीं पे नहीं जाते हो. बट आजकल जितना, मैं तो बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, ये बड़े बड़े आर्टिस्ट के थ्रू मैंने सुना है. बट मैं चाहता हूँ कि मैं और लायक बनूँ और एक ऐसा अवार्ड हो कुछ सच्ची में मेरे काम के लिए मिले. अभी सच्ची में प्रेजेंटी के लिए अवार्ड मिलता है. यार मतलब जितने लोग उससे प्यार करते हैं ना, वो हिसाब से मुझे लगता है वो ट्रॉफी लेके जाएगा. और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सेंट्रल चीज़ें होती है कि एक बंदा होता है कि जिसको एफर्ट्स नहीं लेना पड़ता है कुछ जताने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, वो जैसा नॉर्मल पर्सन होता है लोगों तक पहुंच जाता है. तो मुझे लगता है एल्विश यादव ऐसा है कि जो छोटी छोटी मैंने कुछ क्लिप देखी थी काउच पे मस्ती कर रहे थे वो बिग बॉस के साथ, तो मुझे लगता है ये छोटी चीज़ें ही लोगों को पसंद आता है कि वो जो नेचुरल होती है लोग कनेक्ट होते हैं. मुझे लगता है इसीलिए शायद ट्रॉफी लेके जाएगा. बड़ा दो कॉम्पिटिशन है, अभिषेक मलान और एल्विश यादव. हाँ आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट जाएगा बिग बॉस को. नहीं दोनों, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ कि दोनों अच्छा कर रहे हैं. वो वाइल्ड कार्ड आके भी एल्विश यादव ने खुद की जगह बनाई और फुकरे जो बंदा है वो पहले से मेहनत कर रहा है. तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है. डिपेंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको कौन सा पसंद है. बट मुझे तो बिग बॉस पसंद है.